अगर आप BMW के फ़ैन हैं तो आपने 5 सीरीज़ का नाम ज़रूर सुना होगा। SUVs काफ़ी पॉपुलर हैं, बट लग्जरी सेगमेंट में आज के वक्त सेडान्स भी बहुत बिके जाते हैं और इसमें 5 सीरीज़ सबसे पॉपुलर रही है BMW के लिए, इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में। और अब BMW ला रही है 8th जनरेशन 5 सीरीज़ इंडिया में, और इसकी सबसे खास बात यह है कि पहली बार आएगी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में। तो आइए देखते हैं क्या नया है इस 5 सीरीज़ में। बट उसके पहले अगर आपने कारन बाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वो बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि हमारी सारी स्टोरीज आप तक पहुंच सके। भले ही BMW 5 सीरीज हर जनरेशन के साथ साइज के मामले में बदली हो, जो सिग्नेचर BMW डिजाइन और स्टाइलिंग क्यूज है वो आज भी बरकरार है। गाड़ी का फ्रंट एंड आकर्षित करता है अपनी क्वाड हेडलाइट सेटअप के साथ और बड़ी किडनी ग्रिल को और लाइट सराउंड करती है। इस कार के बॉडी वर्क में काफी सारे ब्लैक एक्सेंट्स हैं और वो इसलिए क्योंकि ये M Sport वेरिएंट है। प्रोफाइल में आप नोटिस करेंगे इसके 18 इंच अलॉय व्हील्स, जो थोड़े छोटे लगते हैं कार के साइज के मुकाबले, और टायर साइड वॉल भी थिक है, तो आप समझ सकते हैं ओवरऑल कंफर्ट पे किस तरीके से फोकस की गई है। ओवरऑल डायमेंशंस के मामले में नई 5 सीरीज सिर्फ करंट ई क्लास से ही नहीं बल्कि आने वाली नई ई क्लास से भी ज्यादा लंबी है। इसकी विड्थ और हाइट भी पिछले 5 सीरीज से ज्यादा है। नई 5 सीरीज के प्रोफाइल में आप नोटिस करेंगे 2 प्रोमिनेंट कैरेक्टर लाइंस, और हॉफमाइस्टर किंग को हाईलाइट भी किया गया है 1 5 नंबर की एम्बॉसिंग के साथ। टेल सेक्शन भी बिजी मालूम होती है स्टाइलिंग के हिसाब से। आपको कैसी लगी नई 5 सीरीज की डिजाइन के मामले में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी BMW ओनर की सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गाड़ी में देखते हैं वो है उसकी ड्राइवेबिलिटी। तो क्या 5 सीरीज़ ड्राइविंग में उतनी ही अच्छी होगी जितनी वो पहले रही है या उससे भी बेहतर, वो तो हम आपको ड्राइव करके ही बताएंगे। बट बैठने के लिए ये डेफिनेटली पहले से थोड़ी ज़्यादा स्पेशल लग रही है। नए स्टीयरिंग व्हील है इसमें, कंट्रोल्स का इंटरफेस भी काफ़ी उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें आप देखेंगे वो है इसकी बहुत बड़ी कर्व्ड स्क्रीन। दो यूनिट्स हैं, दो सेपरेट यूनिट्स हैं, एक जैसे ज्वाइन कर दिए हैं। एक तो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी बड़ी ऑलमोस्ट 15 इंच की है इसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन। अगर आप सेंटर कंसोल में भी देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से की है। जैसे उन्होंने AC वेंट पूरी छुपा के रख दी है, इस तरह से डिज़ाइन की है कि ईजिली आपको दिखेगी नहीं, और एक बार है जिससे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये टचेज़ हैं जो इसको काफ़ी स्पेशल बनाती है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि शायद ये यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी आदत की ज़रूरत पड़ेगी। बटन्स जो है वो ईजिली यूज़ हो जाते हैं, बट ये जो कैपेसिटिव और टच बटन्स है वो थोड़ी टाइम लगती है समझने में, बट फिर भी ये डिफरेंट लगती है और समथिंग यूनिक लगती है। ऐसे आपको कोई भी और गाड़ियों में नहीं मिलेंगी, स्पेशली कोई भी BMW में नहीं मिलेगी। और कुछ अच्छी चीज़ें जो इन्होंने की है वो है यहाँ पे है 2 स्मार्टफोन के लिए ट्रेज, एक उसमें से है इंडक्शन चार्जर, एक से फ़ोन रखने के लिए स्पेयर फ़ोन रखने के लिए है। और ड्राइव मोड्स के लिए उन्होंने जो डिस्प्ले बहुत ही सिमिलर है, एक 7 सीरीज़ की जो फीलिंग है जो आपको 7 सीरीज़ में बैठ के आती है, शायद कुछ लोगों ने आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ उन्होंने नहीं किया होगा, बट एक 7 सीरीज़ की जो एक्सपीरियंस है वो ये 5 सीरीज़ में मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसमें एक सबसे डिफरेंट चीज़ और भी ये भी है कि इसकी जो अपोल्स्ट्री आप देखें बिल्कुल लेदर जैसी दिखती है, बट ये लेदर नहीं है, ये है वीगन इंटीरियर्स, वो इसे कहते हैं वीगैनजा। शायद कुछ लोग इसे अप्रिशिएट करें, स्पेशली वो जो शाकाहारी हैं जिन्हें एनिमल्स को मारना पसंद नहीं है। वेल, ये लेदर नहीं है, ये वीगन इंटीरियर्स जो स्टैंडर्ड है। अगर आपको लेदर चाहिए, जो काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, वो भी अवेलेबल होगी एक ऑप्शन के तौर पर। हालांकि 5 सीरीज़ बहुत पॉपुलर रही है, अगर एक कंप्लेंट बहुत सारे कस्टमर्स की रही है तो वो है रियर सीट स्पेस को लेकर। लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के वजह से लेग रूम काफ़ी बढ़ चुकी है, रियर सीट पे अगर आप बैठें, इन्होंने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है इसे शॉफर ड्रिवन गाड़ी रखने के लिए। ओरिजिनली 5 सीरीज़ जो है वो यूरोप में बहुत पॉपुलर थी और बहुत ही ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ियाँ हुई करती थी, बट जैसे ही पिछले कुछ सालों में एशिया में ये बहुत पॉपुलर हुई है, इंडिया में बहुत पॉपुलर हुई है, और शॉफर या ड्राइवर इस गाड़ी को चलाते हैं और ओनर पीछे बैठते हैं और उनके लिए रियर सीट कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के वजह से शायद मर्सिडीज़ ई क्लास इतनी पॉपुलर रही है इंडिया में। और BMW भी ये जान चुकी है और उन्होंने ऐसे ही
7 सीरीज वाली फीलिंग 5 सीरीज में लाने की कोशिश की है। रियर सीट अगर हम बोले तो बहुत बड़ी हो गई है, कंफर्टेबल है, कुशनिंग बहुत बढ़िया है और इन्होंने ये स्पेशल पिलोज भी दिए हुए हैं। अच्छे टचेस हैं जो उन्होंने किए हैं ये सोचकर कि ओनर पीछे बैठे रहेंगे। एक फिक्स क्लास पैनोरामिक रूफ है जो ओपन नहीं होती, आर्मरेस्ट है, हमने ये गाड़ी अभी तक चलाई नहीं है बट बैठने के लिए हो सकता है कि ये पहले के 5 सीरीज के मुकाबले बहुत कंफर्टेबल हो जब गाड़ी मूव कर रही हो, क्योंकि 5 सीरीज इंक्रीज्ड लेंथ की वजह से ज़्यादा प्लश होगी और रोड पर ज़्यादा आराम से बैठेगी। बट BMW शायद कुछ मिस भी कर गई है अगर आप देखें, ना ही आप पीछे कोई पावर कंट्रोल्स है, सीट आपका इंक्लाइन तो बहुत अच्छा है बट रिक्लाइन नहीं होता, और ये सब चीज़ें हैं जो आपको 7 सीरीज़ में मिल जाती है, 5 सीरीज़ में नहीं मिलेंगी। स्पेस भले ही आपको ऑलमोस्ट 7 सीरीज़ की उतनी मिल जाए, रियर सीट वेंटिलेशन भी नहीं है और ज़्यादा कुछ कंट्रोल्स नहीं है, तो रियर में पैसेंजर्स को आराम करने के अलावा और कुछ ज़्यादा इन्जॉयमेंट की या फैसिलिटी नहीं है। अब तक की जितने भी 5 सीरीज़ बने हैं उसके मुकाबले 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस शॉफर ड्रिवन के लिए बहुत बेहतरीन होगी ऐसा हमारा मानना है। इसकी प्राइसिंग तो अभी तक बताई नहीं गई है बट हमारा अंदाज़ा है कि ये होगी 70-80 लाख के बीच में। BMW इसे लॉन्च करेगी अगले महीने, तब तक आपको और भी डिटेल्स और इसकी इंजन डिटेल्स भी पता चल जाएंगे। आप कारन बाइक को ज़रूर फॉलो कीजिए और सारी डिटेल्स हमसे उस पर ले लीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है इस कार के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम उसे आंसर करने की कोशिश पूरी करेंगे।